है राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं को संपन्न कराने के लिए महाकौशल क्षेत्र के अग्रमणी गोटे गांव अग्रणी गोटे गांव का भव्य खेल स्टेडियम एक बार फिर तैयार है। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं को संपन्न कराने के लिए महाकौशल क्षेत्र के अग्रणी गोटे गांव की सहयोग क्रीड़ा मंडल की बैठक में संस्था के वरिष्ठ संरक्षक पूर्व राज्य मंत्री एवं नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल की उपस्थिति में 20 जनवरी से 23 जनवरी तक खेल प्रतियोगिता कराने का निर्णय लिया गया। इस वर्ष प्रतियोगिता में साइकिलिंग, दौड़, चौपड़, राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी एवं महिला कबड्डी होंगी। आपको बता दें कि गोटे गांव में लगातार पिछले 38 वर्षों से सहयोग क्रीड़ा मंडल का इतिहास गरिमामय रहा है। जिला एवं नगरवासियों के साथ ही देश के प्रतिभावान खिलाड़ी भी इस आयोजन को लेकर अभिभूत है। जिले में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता कराने का श्रेय सर्वप्रथम सहयोग क्रीड़ा मंडल को ही जाता है। स्टेडियम में मैदानी तैयारियों से लेकर देश के विभिन्न प्रांतों से आने वाले खिलाड़ियों के आवास, भोजन, आवागमन, खेल प्रैक्टिस के साथ ही तमाम अन्य सभी तैयारियों पर ध्यान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, खेल मैदान में राष्ट्रीय स्तर के प्रो कबड्डी खिलाड़ियों का जौहर देखने आने वाले दर्शकों के लिए भी विशेष बैठक व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है। नगर के समाज सेवी, खेल प्रेमी एवं लोकप्रिय युवा नेता मोनू पटेल के निर्देशन में तमाम युवा वर्ग अपना सर्वश्रेष्ठ दायित्व निभाने में जी जान से जुट गए हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा इंतजाम है और होटल में रखेंगे, दो व्यक्ति एक कमरे में रहेंगे, वाहन अलग से उनके प्रत्येक व्यक्ति को अलग से वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे और कोई भी प्लेयर से कोई हाथ नहीं मिला पाएगा, उसलिए सुरक्षा व्यवस्था के सीधा वो ग्राउंड में जाएगा, ग्राउंड से सीधे अपने जिस सुरक्षित स्थान पर जहाँ उनकी है वहाँ जाएगा। इसमें कहीं किसी प्रकार से कोई जो सोशल डिस्टेंसिंग उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और सबके टेस्ट वगैरह होंगे, हम लोग भी टेस्ट कराएंगे, जो हमारे कर्मचारी उनके भी टेस्ट कराएंगे, प्रयास करेंगे जो अतिथि उनके भी हम प्रयास करेंगे कि वो उनके भी टेस्ट हो, तो कहीं से कहीं तक कोई किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं होगी। और यहाँ जो हमारे नगर के लोग हैं, जिले के लोग हैं और जो दर्शक आते हैं, जैसा हमारा आयोजन समिति या हम सारे लोग जो उनसे निवेदन करते हैं उस निवेदन को स्वीकार करते हैं, इसलिए कहीं किसी प्रकार की कोई संभावना इस ग्राउंड पर नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ। कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और विगत 38 वर्षों से भी उन्हीं की जयंती के स्मृति में यह टूर्नामेंट में संबंध, भारत में कहीं इतना लंबा उनकी स्मृति में कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ होगा। और दूसरी तरफ कोरोना की अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको कोरोना नहीं होता, तो खेल उसी का परिचायक है। और जो सेंट्रल की जो गाइडलाइन आई है, जो हमको गाइडलाइन दी गई कि केंद्रीय खेल विभाग द्वारा, उसके लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है, उसके हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य हो, हम मास्क रखेंगे, जो व्यक्ति मास्क लगा के उसको वो व्यवस्था बनाई गई है। और दूसरा कि जो भी हमारे गेट है जहाँ से बस सैनिटाइज के लिए जो व्यक्ति उसके अंदर से घुसेगा उसको सैनिटाइज होकर जाएगा और सैनिटाइज होकर बाहर निकलेगा, उसके लिए उससे जो भी खर्चा आएगा हम उसको उठाएंगे। तो ऐसा मानता हूँ कि इस चुनौती के बीच में हम सफलतापूर्वक टूर्नामेंट कराएंगे आयोजन का और हमारे इस सहयोग क्रीड़ा मंडल के जो सारे सहयोगी हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने उनके विगत 38 वर्षों से सारे लोग जो दानदाता हैं वो सहयोग कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से उनके संसाधनों का हम उपयोग करते हैं, पैसे का उपयोग करते हैं, उनके हम आवासों का उपयोग करते हैं, पूरा का पूरा सारा जो आयोजन होता है और सहयोग से होता है, जैसा नाम सहयोग क्रीड़ा मंडल।